हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हमने इस वीडियो में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों टाइप के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगामी जितने भी परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होने वाली है उनके दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास को कंटिन्यू देखते हैं तो आपके ज्ञान के सागर में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। क्वेश्चन नंबर एक है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश से किसे साहित्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखना दोस्तों, किसके लिए? साहित्य के क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022, ठीक है, 2022 पद्मश्री पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से किसे दिया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह ध्रुवे, दुर्गाबाई व्याम और अवध किशोर। तो याद रखना दोस्तों, अवध किशोर जी को क्या दिया गया है? साहित्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं छपने वाले प्रश्न, ठीक है दोस्तों, जो छपने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पद्मश्री पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई? कौन से पुरस्कारों की घोषणा? पद्म पुरस्कारों की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखना दोस्तों, पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 से। और दोस्तों, जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पद्म विभूषण, क्या? पद्म विभूषण, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पद्म भूषण, पहला हो गया पद्म विभूषण, दूसरा हो गया पद्म भूषण और तीसरा हो गया पद्मश्री, ठीक है। ये तीन प्रकार के पुरस्कार पद्म पुरस्कार में दिए जाते हैं। दोस्तों, इनका जो क्रम है वरीयता क्रम, ये ऊपर से नीचे है, मतलब सबसे ऊपर क्या होता है? पद्म विभूषण होता है और उसके बाद पद्म भूषण होता है और नंबर तीन पे पद्मश्री होता है। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत भी 1954 से की गई थी। कहने का मतलब दोस्तों, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोनों की शुरुआत कब से हुई है? 1954 मतलब 1954 से हुई है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना दोस्तों, 2022 में 128 लोगों को, कितने लोगों को? 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को? 128, टोटल 128 है दोस्तों, जिसमें से पद्म भूषण दिया गया है 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को पद्म विभूषण, क्या? पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 17 लोगों को। कितने लोगों को? 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? 107 लोगों को। दोस्तों, यदि आप 4, 17 और 107 जोड़ोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 128 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, क्या? मध्य प्रदेश में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो याद रखना, 5 लोगों को मिला है। अब ये 5 लोग कौन कौन है दोस्तों, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले अवध किशोर, किसको? अवध किशोर को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला है और ये रहने वाले हैं छतरपुर जिले के, कहाँ के? मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं अवध किशोर जी, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। और ये बुंदेलखंडी प्रसिद्ध कवि हैं, क्या? बुंदेलखंडी प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं। कौन? अवध किशोर जी, और छतरपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं राम सहाय पांडे जी, कौन? राम सहाय पांडे जी, ये सागर के रहने वाले हैं दोस्तों, और इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला है। और किसके लिए मिला है? राय नृत्य के लिए मिला है। किसके लिए? राय नृत्य के लिए मिला है।
यदि हम ओवरऑल कहें तो कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार कला के क्षेत्र में और स्पेशली राय नृत्य के लिए, ठीक है। और कहां के रहने वाले हैं राम साहेब पांडे जी? तो याद रखना सागर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन सिंह ध्रुवे, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी को भी दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला है और ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और ये है कौन? तो याद रखना ये बेगा लोक गायन और लोक नृत्य करने वाले हैं। क्या? बेगा लोक गायन और लोक नृत्य करने वाले हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। और कला के क्षेत्र में स्पेशली किसमें? बेगा लोक गायन और लोक नृत्य में, ठीक है। तो याद रखना अर्जुन सिंह ध्रुवे डिंडोरी के रहने वाले हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गा बाई व्याम, ठीक है। दुर्गा बाई व्याम कहाँ की रहने वाली दोस्तों? तो मंडला की रहने वाली है। कहाँ की? मंडला की रहने वाली है दुर्गा बाई व्याम। दोस्तों MPPSC में एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है, उसके दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बिल्कुल छपेंगे, आप बिल्कुल लिख के रख लें, ठीक है। तो याद रखना दुर्गा बाई व्याम कहाँ की रहने वाली है? मंडला की रहने वाली है और ये चित्रकार हैं। क्या हैं? चित्रकार हैं दुर्गा बाई व्याम और इन्हें गोंडी चित्रकला के लिए, किसके लिए? गोंडी चित्रकला के लिए ओवरऑल कहें तो कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है दुर्गा बाई व्याम को, जो कि मंडला की रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, NP मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, याद रखना NP मिश्रा, ये भोपाल के हैं, ठीक है, भोपाल के हैं और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में चिकित्सा के भीष्म पितामह कहा जाता था किसे? NP मिश्रा जी को, ठीक है। और ये भोपाल के रहने वाले थे और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, कौन सा सम्मान? राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं गोपाल दास नीरज, सत्यनारायण सत्तन, डॉक्टर शिव ओम अंबर और डॉक्टर कुंवर बेचैन। तो याद रखना दोस्तों ये दिया गया है सत्यनारायण सत्तन जी को। किसको? सत्यनारायण सत्तन जी को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से नवाजा गया है, ठीक है। और दोस्तों ये सत्यनारायण सत्तन जी है दोस्तों, ये कवि और साहित्यकार हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कवि प्रदीप का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना दोस्तों इनका जन्म हुआ था बड़नगर उज्जैन में। कहाँ पर हुआ था? बड़नगर उज्जैन में कवि प्रदीप का जन्म हुआ था। और इन्होंने दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गीत लिखे हैं किसके बारे में? देशभक्ति पे। तो देख आपने सुना होगा दोस्तों, ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है, दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो ऐसे देशभक्ति गीतों को दोस्तों कवि प्रदीप ने लिखा है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बड़नगर उज्जैन में हुआ था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान कब से दिया जाता है, तो याद रखना दोस्तों 2013 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 2013 से। और इसमें जो राशि दी जाती है दोस्तों 2,00,000 रुपए दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 2,00,000 रुपए राशि दी जाती है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान में, और 2013 से स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के दिनेश कुमार वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? किसका नाम? दिनेश कुमार वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखना दोस्तों इनका संबंध है बालाघाट जिले से। किस जिले से हैं दिनेश कुमार वर्मा जी? बालाघाट जिले से हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मलाजखंड तामा खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना बालाघाट। कौन से जिले में? बालाघाट जिले में दोस्तों मलाजखंड की जो तामा खदान है वो स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान भरवेली किस जिले में स्थित है, तो याद रखना दोस्तों ये स्थित है बालाघाट में। कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान भरवेली। कहाँ स्थित है?
बालाघाट में। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक किस जिले में होता है, तो याद रखना दोस्तों बालाघाट। क्या? बालाघाट में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका जवाब भी होगा दोस्तों बालाघाट। किसका? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादन। ठीक है, अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन एवं वन प्रतिशत किस जिले में है, तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों बालाघाट। क्या? सर्वाधिक वन और वन प्रतिशत भी बालाघाट जिले में है। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों बालाघाट। मतलब बालाघाट में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, और कितना? 1021 सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश के किस जिले में रॉक फॉस्फेट मिलता है, तो याद रखना दोस्तों अब बालाघाट नहीं, अब झाबुआ आंसर होगा। क्या? झाबुआ में सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट मिलता है। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश में चूना नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कटनी। कौन सा? कटनी जिला जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की चूना नगरी। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लैटराइट मृदा किस जिले में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा बालाघाट। क्या? सबसे ज्यादा लैटराइट मृदा भी बालाघाट में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले बालाघाट की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैनगंगा। क्या? बैनगंगा। बैनगंगा को दोस्तों बालाघाट की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई नहर कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों बैनगंगा नहर। कौन सी नहर? बैनगंगा नहर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई नहर है, और कहां पर है, तो बालाघाट। कहां पर? बालाघाट में है बैनगंगा नहर सिंचाई योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बालाघाट। अगर आपसे पूछ ले मध्य बालाघाट के किस चावल को जीआई टैग मिला है, क्या? बालाघाट के किस चावल को जीआई टैग मिला है, तो याद रखना दोस्तों चिन्नौर को। किसको? चिन्नौर चावल को, जो बालाघाट का है उसे जीआई टैग मिला है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का प्रथम मन विद्यालय किस जिले में खोला गया, तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा बालाघाट। और कब खोला गया? 1979 में। अगला सवाल, ऑप्टिकल सेंसर से 8 सेकंड में, क्या? ऑप्टिकल सेंसर से 8 सेकंड में गैस रिसाव का पता लगाने वाली तकनीक, ठीक है, पता लगाने वाली तकनीक का विकास मध्य प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा किया गया है। क्या? ऑप्टिकल सेंसर में 8 सेकंड में गैस रिसाव का पता लगाने वाली तकनीक का विकास मध्य प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं IIT इंदौर, IIM इंदौर, मैनिट भोपाल और DAV इंदौर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैनिट भोपाल। क्या? मैनिट, MANIT। ठीक है, ठीक है, याद रखना मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैनिट जो कहाँ पर है, भोपाल में है। इसने दोस्तों 8 सेकंड में गैस रिसाव का पता लगाने वाली तकनीक का विकास किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों IIT इंदौर की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 2009 में IIT इंदौर की स्थापना की गई थी। IIM इंदौर की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1996 में IIM इंदौर की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जिसमें IIT और IIM दोनों हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहां की गई, तो याद रखना 1964 इंदौर। क्या? 1964 में इंदौर में देवी अहिल्याबाई या DAV विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में राज्य पर्यटन विकास निगम ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर किस स्थान पर पर्यटकों हेतु रिक्रिएशन जोन में मल्टीमीडिया एवं 3D लेजर शो शुभारंभ किया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा दोस्तों कि राज्य पर्यटन विकास निगम ने क्या, किस स्थान पर पर्यटकों हेतु रिक्रिएशन जोन में मल्टीमीडिया एवं 3D लेजर शो शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, पचमढ़ी। पचमढ़ी में दोस्तों राज्य पर्यटन विकास निगम ने क्या किया है,
पर्यटकों हेतु रिक्रिएशन जोन में मल्टीमीडिया और 3D लेजर शो शुभारंभ किया है। कहाँ पर? पचमढ़ी में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1978। कब? 1978 में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी, 1978 में। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री एवं सांस्कृति मंत्री और आध्यात्मिक मंत्री कौन है, तो इसका एक ही आंसर होगा दोस्तों, उषा ठाकुर जी। कौन? उषा ठाकुर जी दोस्तों, ये जो हैं क्या हैं, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री और संस्कृति एवं आध्यात्मिक मंत्री हैं। और इनका क्षेत्र कहाँ से है दोस्तों? महू, अंबेडकर नगर जिसका नाम हो गया है, और इंदौर जिला, वहां से ये हैं। कौन? उषा ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी है। क्या है? पचमढ़ी। पचमढ़ी कौन से जिले में आता है दोस्तों? होशंगाबाद जिले में। कौन से जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में। पचमढ़ी किस जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में। और कौन से पर्वत पे, तो याद रखना दोस्तों सतपुड़ा के महादेव पर्वत पर स्थित है पचमढ़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी। किसे कहते हैं दोस्तों? पचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन है, पचमढ़ी। क्या? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो याद रखना धूपगढ़ है। ये आपको सब पता है क्वेश्चन, लेकिन हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं दोस्तों, 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर दोस्तों धूपगढ़ की ऊंचाई है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश की छत किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा पचमढ़ी। क्यों? क्योंकि धूपगढ़ स्थित है पचमढ़ी में, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखना दोस्तों ये भी होती है पचमढ़ी में। और कितनी होती है? 212 सेंटीमीटर। कितनी? 212 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा पचमढ़ी। क्या? पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले अप्सरा फॉल, डचेस फॉल, बी फॉल कहाँ स्थित हैं, तो याद रखना ये सब कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी आता है होशंगाबाद जिले में। अगर आपसे पूछे पचमढ़ी की खोज किसने की, तो याद रखना जेम्स फोरसोथ। किसने? जेम्स फोरसोथ ने। जेम्स फोरसोथ ने दोस्तों पचमढ़ी की खोज की थी। अगर आपसे पूछे पचमढ़ी को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तो 1999 में पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अगर आपसे पूछे ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ओरछा किस जिले में आता है, तो याद रखना ओरछा अब निवाड़ी जिले में आता है। पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन जब टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया और मध्य प्रदेश का 52वां जिला बन गया, तो टीकमगढ़ जो निवाड़ी है वो कहाँ आने लगा, मतलब ओरछा में, ओरछा जिले में, ओरछा जो है दोस्तों वो निवाड़ी जिले में आने लगा। अगर आपसे पूछ ले सिटी ऑफ जॉय, मछली नगरी, महलों की नगरी, रानी रूपपति की नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों मांडू को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय, मछली नगरी, महलों की नगरी, रानी रूपमती की नगरी, ये सब मांडू को कहा जाता है। और मांडू कहाँ है, तो धार जिले में स्थित है मांडू। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइबर लैब, क्या? मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइबर लैब कहाँ खुली, आपने लगा दिया सागर। क्या लगाओगे आप? सीधा सीधा फॉरेंसिक लैब देखे और ठोक दोगे आंसर सागर। नहीं, याद रखना दोस्तों यहाँ एक वर्ड जुड़ा है साइबर लैब। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइबर लैब है भोपाल में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
पहली फॉरेंसिक साइबर लैब खुली है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक लैब कहाँ है, तो वो याद रखना वो है कहाँ पर, सागर में। ठीक है, अगर आपसे पूछे पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश, एमपी है क्या पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य। अगर आपसे पूछ ले भारत का एकमात्र राज्य जो पृथक कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है, तो याद रखना दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य है जो पृथक कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है, और कब से करता है? 2012-13 से। ठीक है, अगला सवाल पूछ लिया आपसे कि मध्य प्रदेश को अब तक कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, तो याद रखना 7 बार मिल चुका है। कितनी बार? 7 times। ठीक है, कब कब मिला? 2011। ठीक है, 2011 के बाद 12 और 14। 2011 12 14 में दोस्तों मध्य प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में मिला था। किस उत्पादन में मिला था? खाद्यान्न उत्पादन में मिला था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 13, 15 और 16, कब 13, 15, 16 में गेहूं उत्पादन के लिए मिला। ठीक है, गेहूं उत्पादन के लिए 13, 15, 16 में, और 2018 में दोस्तों किसके लिए मिला, तो याद रखना 2018 में मिला है दलहन उत्पादन के लिए। किसके लिए? दलहन उत्पादन के लिए 2018 में मिला है, और टोटल अभी तक 7 बार मिल चुका है। 11, 12, 14 खाद्यान्न उत्पादन, 13, 15, 16 गेहूं उत्पादन, और 2018 दलहन उत्पादन। तो याद रखना अब तक 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, वर्ष 2017-18 में उच्च दलहन उत्पादकता श्रेणी में किस जिले की शिवलता महतो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया? क्या? उच्च दलहन उत्पादकता श्रेणी में 2017-18 में किस जिले की शिवलता महतो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटारसी। कहाँ की रहने वाली है ये? इटारसी। इटारसी किस जिले में आता है? होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद जिले में आता है। और यदि आपसे पूछ ले कि गांव कौन सा है, तो पथरोटा गांव है। कौन सा गांव? पथरोटा गांव, पथरोटा। ठीक है, पथरोटा गांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आज का लास्ट सवाल है, तो होशंग शाह का किला या होशंग शाह का किला आपसे पूछे, तो याद रखना ये है होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में होशंग शाह का किला है। ठीक है, और होशंग शाह का मकबरा यदि आपसे पूछ ले, तो मांडू धार में है। कहाँ पर है? मांडू धार में होशंग शाह का मकबरा है, और किला होशंगाबाद में है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों यदि आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, तो कम से कम इसको आपको 60 से 70 क्वेश्चन इसमें आपके कवर होते हैं। दोस्तों आप बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन यदि आपको रिवीजन करना है तो आपको फास्ट करना होगा। ठीक है, और यदि आपको फास्ट रिवीजन करना होगा तो आपको इसी स्पीड से पढ़ना होगा। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें। आपको रिवीजन के लिए मैं कंटिन्यू एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।